अस्सलाम वालेकुम। हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार क्या चीज़ है? हमारा पंजाबी में जो चाय होती है, चाय, उसको हम पंजाबी में चाह बोलते हैं, और उर्दू जो चाह होती है वो मोहब्बत में मीनिंग में आती है। तो हमारे पास एक रवाज है, हमारा अपना मखसूस इलाका है, इसमें यह रवाज है कि जब कोई बंदा आता है उसको बोलते हैं कि चाय पियेंगे, तो दूसरा बंदा कहता है कि चाह पियोगे। वो कहते हैं कि अगर आपके एक बंदे ने कहा कि अगर आपकी चाह में चाह है तो फिर आप मुझे दे दें, कि आपकी चाह में चाह है तो फिर आप दे दें। मतलब आप जिस बंदे की जितनी कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ दिल से अटैच हैं, उसकी कदर करते हैं, उसके साथ मोहब्बत आपको, उसके साथ प्यार है, या उसके साथ इतनी उनसीयत है। अब बहुत प्यार वो नहीं जो लड़का लड़की से होते हैं, ये नहीं, वैसे जो हमारा जो प्यार होता है, प्यार मोहब्बत जो होता है, वो उनसीयत जो होती है, वो अगर दूसरे के साथ है, उसकी चाह है आपके बदल में, तो आप उसको उसकी करें, उसकी कदर करें। लेकिन वैसे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी चाह में चाह नहीं है तो आप फिर क्या कर रहे हैं? फिर आप दिखावा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी से आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, फॉर्मेलिटी से आप काम भी कर देंगे, आप उसको चाय पिला भी देंगे, आप उसको खाना खिला भी देंगे, आप उसकी सेवा सारी कुछ कर देंगे, लेकिन आखिर में क्या है, आपका वो जो मोहब्बत थी, वो जो प्यार था, वो जो चीज़ जो भी थी, वो जो चाह थी, वो सब दिखावा था। और जब आपने दिखावा किया है तो वो उस दिखावे का आपको क्या रिटर्न मिलेगा? अगर आपकी चाह में चाह थी, अब उसमें दिखावा नहीं था, तो वो बंदा भी आपसे मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, और आपका रब भी आपसे राज़ी होगा। लेकिन हम लोग फॉर्मेलिटीज़ में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम इस चीज़ को इग्नोर करके जस्ट फॉर्मली हम लोगों के साथ ये करते हैं, लेकिन हमारा उसके साथ कोई दिली तलक नहीं होता, हम वो चीज़ दिल से नहीं कर रहे होते। शुक्र करते हैं कि हमारी वो आ उस बंदी जान छुट्टी है, चला गया, ठीक है, बस। अब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे माशरे बिल्ड नहीं होते, माशरों के अंदर जो मोहब्बत का ताना बना होता है वो तामीर नहीं होता, वो बनता नहीं है। अल्लाह आप खुश रखे, बहुत शुक्रिया।